बिहार में नौकरियों की बौछार होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि इस बार इतनी नौकरियां दी जाएगी कि तेजस्वी यादव हैरान हो जाए। तेजस्वी यादव जो बार बार दावा करते रहते हैं कि हमने साइंटिफिक तरीके से नौकरियां निकाली है, इस दावे को नीतीश कुमार की नौकरी फेल कर देगी। बताते चले हम आपको कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में इस बार 1964 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी और ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। सबसे अधिक अब तक जितने वैकेंसी निकाली गई है उसकी संख्या 800 थी, लेकिन इस बार दोगुना से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। रवि मनुभाई परमार जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि 1964 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। फिलहाल 1929 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और 35 पदों की वैकेंसी के लिए इंतज़ार किया जा रहा है। विभागों से अभी और 35 रिक्त पद आएंगे और उसके बाद कुल मिलाकर 1964 पद यानी कि लगभग 2000 के आसपास की वैकेंसी निकाली जाएगी और ये बिहार वालों के लिए सबसे सुनहरा मौका है। अब तक की ये सबसे बड़ी बहाली है। सिविल सर्विस के लिए बीपीएससी ने लगभग 2000 पदों पर वैकेंसी निकाली है। बताते चले हम आपको कि ग्रुप वन और ग्रुप टू कैटेगराइज किया गया है, जहां पर ग्रुप वन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता के लिए 200 पद हैं, पुलिस उपाधीक्षक के लिए 136 पद, राजकर आयुक्त वित्त विभाग के लिए 168 पद और विभिन्न विभागों के लिए रिक्त पदों के लिए 174 पद है। वहीं ग्रुप दो की अगर बात की जाए तो ग्रुप टू के लिए ग्रामीण विकास पदाधिकारी का 399 पद, राजस्व अधिकारी का 287 पद, आपूर्ति निरीक्षक के लिए 233 पद, प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 125 पद और ग्रुप दो के विभिन्न विभागों के लिए 213 पद हैं। बीपीएससी के अध्यक्ष ने आगे बताया कि परीक्षा के लिए उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 को, पुलिस उपाधीक्षक एवं जिला समादेष्टा के लिए 20 वर्ष एवं अन्य ग्रुप वन के पदों के लिए 22 वर्ष तथा ग्रुप दो के लिए 21 वर्ष होना अनिवार्य रखा गया है, जबकि अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष तथा अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट रखी गई है। 70वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके लिए परीक्षा शुल्क अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये रखे गए हैं, जबकि सभी अनारक्षित महिला सहित अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि संशोधन होने पर प्रकाशित पदों की संख्या घट और बढ़ भी सकती है। बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वैकेंसी आएगी, 1964 पदों पर वैकेंसी आएगी, हालांकि संशोधन के बाद ये बढ़ भी घट भी सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 पदों पर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लगभग 2000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और ये बिहार के युवाओं के लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका है। इतने बड़े पदों पर, इतनी अधिक पदों पर वैकेंसी अब तक नहीं निकाली गई थी, ऐसा पहली बार हो रहा है। और कई सारे जानकार ये भी कहते हैं कि इतने पदों पर आने वाले समय में भी कभी नहीं निकाली जाएगी और ना पहले निकाली गई। 2024 में 77वीं बीपीएससी परीक्षा एक बड़ा मौका है जहां पर बिहार के युवाओं को नौकरी मिलेगी। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।